add this, ये भी bloom होगा. This is already bloom. And मैं आपको बता नहीं सकती the fragrance यहाँ पे. Oh my god. आपको मैंने इवनिंग दिखाई दी है, तो इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. अभी फिलहाल तो मैं अकेली हूँ घर पे. मिजारों ने अभी भी स्नैक खाया है और वो चला गया है नीचे खेलने. अभी फिलहाल तो अभी बारिश हो नहीं रही थी और सिचुएशन भी थोड़ी सी अंडर कंट्रोल. आरव के एग्जाम्स भी है, एग्जाम्स भी और होने वाले, तो मैंने इसीलिए कहा कि फिर रेन स्टार्ट हो जाएगी. अगर मानसून स्टार्ट हो जाएगा फुल फ्लेज तो फिर बच्चे तो नीचे जा नहीं पाएंगे. तो क्योंकि अभी आरव के एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. मेरे ब्लॉग थोड़े से मैं सोच कम करूँ और थोड़ा ध्यान दूँ उसकी तरफ, तो इसीलिए थोड़े ब्लॉग्स कम आएंगे शायद या लेट आएगा मे बी. तो चलिए, पर मैं ट्राई करूंगी कि ब्लॉग्स डालूँ. ओके गाइस, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं अकेली हूँ, तो आरव अभी जस्ट अपना स्नैक खा के गया है. तो आज मैंने उसे स्नैक में दिया था ये हेल्दी प्रोटीन पैक चना चावल, उसे ये बहुत पसंद है तो वो एनी टाइम रेडी रहता है ये खाने के लिए. तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी और फिर देखेंगे. आज मॉर्निंग में भी एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाई थी वो, और एक कच्चे मैंगो की रेसिपी जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी लास्ट व्लॉग में. यू कैन ऑल्सो कॉल इट हेल्दी वेट लॉस चार्ट रेसिपी. गाइज ये सिंपल है, इसे मैं दो तरीके से बनाती हूँ. तो आपके साथ आज एक तरीका शेयर कर रही हूँ और दूसरा वाला जो है बाद में इन फ्यूचर का भी कर लूंगी. यहाँ पे देख लो आप, मैंने ब्राउन चने लिए हैं यहाँ पे. ये जस्ट मैंने बॉइल कर लिए, सॉल्ट डाल के 5 से 6 सीटी की है. तो ये एकदम परफेक्टली सॉफ्ट हुआ है. आई विल शो यू, लुक एट देम. तो आपको कुछ सोडा या कुछ एड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. और देखिए गरम है, ऐसे कोई नहीं कि गरम ही लेने चाहिए. और गाइस ये आपका मॉर्निंग और परफेक्ट इवनिंग के लिए भी परफेक्ट स्नैक बन जाता है अगर आप इसे ट्राई करते हो तो. और ये हेल्दी भी है. तो गाइस नेक्स्ट, अब मैं इसमें चॉप्ड अनियंस ऐड कर रही हूँ, एकदम फाइनली चॉप किए मैंने. गाइस नेक्स्ट हम ऐड करेंगे चॉप्ड टमेटोज, ये आप अपने प्रेफरेंस से ऐड कर सकते हो. अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली चॉप कोरिएंडर. कोरिएंडर आप जितना ज्यादा ऐड करोगे गाइस उतना ही फ्लेवर एनहांस होगा. ट्राई करिए कि कोरिएंडर को डंडियों के साथ, बारीक वाली जो डंडियां होती है ना उसकी, उनके साथ अच्छे से फाइनली चॉप करके ऐड करिए. अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी भुने जीरे का पाउडर. ये आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ऐड करिए कि जितने चने हैं उसके अंदाजे से. ये जितना ज्यादा होगा अगेन इसका फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ाएगा. थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आप कश्मीरी भी ऐड कर सकते हो या आपका घर का जो भी रेड चिली पाउडर है वो आप ऐड करिए. थोड़ा सा काला नमक, जो हमारा ब्लैक सॉल्ट होता है, सेंधा नमक. अगेन थोड़ा सा चाट मसाला. गाइस बी केयरफुल क्योंकि ये सारे मसालों में नमक होते हैं. चाट मसाला और सेंधा नमक सॉल्टेड होता है. थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट, हमने ऑलरेडी चने बॉईल करते वक्त भी सॉल्ट ऐड किया है. तो गाइस अगर आपके पास व्हाइट पेपर है या येलो पेपर है, पीली मिर्ची या फिर सफेद मिर्च पाउडर है तो आप वो ऐड करिए क्रश करके. मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी. तो गाइस अब हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे एक बार, और इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट जाएगा इसके बाद लास्ट. तो गाइस ये मैंने मिक्स कर लिया है और आप इस स्टेज पे नमक और मसाले चेक कर लीजिए. ये मैंने इसमें आधे नींबू का जूस स्क्वीज कर लिया है, आप टेस्ट चेक करके और चाहिए तो ऐड कर सकते हो. तो गाइस ये हमारा हेल्दी प्रोटीन पैक स्नैक जो है रेडी है. तो अगर आप डाइट भी कर रहे हो तो आप इसे एंजॉय कर सकते हो. आप इसे स्नैक में एंजॉय कर सकते हो, ब्रेकफास्ट में, आप इसे अपनी मील में भी ऐड कर सकते हो. तो प्लीज जरूर ट्राई करिए गाइस. बहुत ही क्विक है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत 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 यमी है. गाइस अगर आप चाहो तो आप इसमें खीरा भी काट के ऐड कर सकते हो, वो भी ऑसम टेस्ट करता है, बट मैं नहीं करती. बॉइल्ड पोटैटो भी ऐड कर सकते हो छोटे छोटे बारीक चॉप करके. सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द फ्लैशबैक. और अभी आरव के सेशंस है और अभी उसका ब्रेक होने वाला है, तो उससे पहले मुझे फिनिश करना है ब्रेकफास्ट बनाना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं मिक्स वेज पराठा. ओके और गाइस ये पराठा बहुत यमी होते हैं और ये
पराठा जो है वो आरव के एब्सोल्यूट फेवरेट है, तो उसे पराठे बहुत पसंद है, तो मैं अलग अलग पराठे बनाती रहती हूँ और बहुत सारे तो नो फस होते हैं यानी क्विक बन जाते हैं, तो आपके साथ भी शेयर करूंगी, तो आप भी जरूर अपने किड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ जरूर ट्राई करिए, उन्हें जरूर पसंद आएंगे। दीज आर लाइक द सेवियर्स, तो बेस्ट है, गो फॉर इट। यहाँ पे आप अपने चॉइस से भी सब्जियां ले सकते हैं। ये मैंने बीटरूट लिया है, मैंने ये स्टीम बीटरूट लिया है, आप जो है कच्चा भी यूज कर सकते हो, बट कभी कभी उसमें चांसेस होता है ना कि गले में खराश के, तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग स्टीम्ड बीटरूट। ओके, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि मैं स्टीम कैसे करती हूँ। प्लीज कभी बॉइल मत करिए बीटरूट को या वेजीज को यूजली, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं उसका, तो ऑलवेज स्टीम द वेजीज। एंड ये कैरेट किया है मैंने ग्रेट करके, एंड ये फ्रेश कोरिएंडर ली है थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी पालक ली है, दैट्स इट। अब काफी बेसिक रखेंगे, गेहूं का आटा ऐड कर दूंगी और थोड़े से मसाले, दैट्स इट। तो नेक्स्ट गाइस हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर मेरा घर का रेड चिली पाउडर है, ये जो मालवनी मसाला हम यूज करते हैं वो रेगुलर वाला, आपके घर का जो भी रेड चिली पाउडर है आप ऐड कर दीजिए। ये चाट मसाला है, ये गरम मसाला पाउडर है, हल्दी थोड़ी सी, एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये भुना जीरा पाउडर है। तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप सिर्फ रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो इट्स वेरी बेसिक, नो जिंजर गार्लिक पेस्ट, आपको चाहिए तो आप ऐड करिए, मैं नहीं करती, ये ऐसे ही काफी यामी टेस्ट करते हैं। आप एक बार ऐसे बना के देखिए, नेक्स्ट टाइम आप चाहो तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकते हो गाइस। तो गाइस ये यहाँ पे मैंने सॉल्ट और थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसका आटा गूंद लूंगी और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे हम, जैसे रेगुलरली रोटी का आटा गूंदते हैं। गाइस मेक श्योर कि ज्यादा पानी मत ऐड करिए, क्योंकि सब्जियों का भी अपना पानी होता है, मॉइस्ट होती है वो। सो गाइस आप इसे प्लेन किसी एक वेजी से भी बना सकते हो, जैसे बीटरूट अगर आप ऐड करना चाह रहे हो सिर्फ, तो यू कैन मेक ओनली बीटरूट पराठा। अगर आप सिर्फ कैरेट ऐड करना चाह रहे हो तो कैरेट पराठा। अब मेरे पास सब वेजीज थे अवेलेबल, तो मैंने सारी ऐड कर दी और मैंने मिक्स वेज पराठा बना दिया। चाहो तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा बॉइल वाला, ओके, नॉट कच्चा। सो गाइस ये देखिए हमारा आटा जो है गूंद लिया है मैंने, ऑयल नहीं ऐड किया, अभी ऑयल ऐड करूंगी, तो जिस दिखाना था आपको दैट्स व्हाई। तो ये मैंने एक बीटरूट यूज किया है, टू अराउंड कैरेट्स यूज किए इसमें, और बाकी सारे थोड़े थोड़े डाल दिए, आप कैबेज भी ऐड कर सकते हो चॉप करके फाइनली, ओके। तो अब मैं इसे तेल लगाकर थोड़ा सा गूंद के फिर हम इसे 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे, फिर आप रेगुलरली इन्हें पराठे में बेल सकते हो जैसे आप चाहते हो। गाइस तो यहाँ पे मैंने इसे शीट पे स्प्रेड कर लिया है, मैं आज ट्रायंगल बेलने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ट्रायंगल जो है इसकी लोई को कर दिया है। तो बस ये मैंने सूखा आटा लगाकर इसे ले लिया है शीट पर, तो मैं इसे अभी ट्रायंगल बेलूंगी, आप इसे राउंड भी बेल सकते हो। ये मैंने इसे यहाँ पे बेल लिया है, अब हम रेगुलर जैसे रोटी सेकते हैं वैसे इसे सेक लेंगे घी या तेल से आपके प्रेफरेंस से। तो गाइस लेट मी टेल यू, ज्यादा पतला मत बेलिए, थोड़ा सा मीडियम ही रखिए। तो जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा ना तो फिर आप इसे फ्लिप कर लेंगे। जैसे मैं हर बार करती हूँ, उतारने से पहले आप जिस साइड से आपको रखना है प्लेट पर वहां पे घी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जब हम इसे तवे पे सेकते हैं तो सारा घी ये पी लेता है, एंड देन जस्ट इसे आप ऐसे इस पे प्लेट पे फ्लिप कर दीजिए। सो गाइस इसी तरह से मैंने ये सेकंड पराठे को भी सेक लिया है, आप इसे साइड से दबा दबा कर अच्छी तरह से सेक लीजिए। सो गाइज हियर आर द पराठास रेडी। तो गाइज आज मैं इसे अचार के साथ सर्व करूंगी, और आप भी जरूर ट्राई करिए और मुझे अपने फीडबैक्स देना मत भूलिए, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ। गाइज लुक एट दिस, बस इसी का थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है कि थोड़ा थोड़ा जो है नीचे हो जाता है, अदरवाइज बट यू टेक इफ यू टेक अ पेपर तो ऐसी नौबत नहीं आती। अभी मुझे फिल्म करना था इसीलिए मैंने चॉपिंग ये मैट यूज किया है, सिलिकॉन मैट, एंड ये भी निकल जाता है इजीली, तो दिस इज वेरी कन्वीनियंट। बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं पता थे उन्हें मैंने बताया ये चीज, एंड इट्स रियली हेल्पफुल। मंस वी आर महाराष्ट्रियंस, वी यूज कोकोनट इन आवर फूड यू नो, बट मैं ज्यादा नहीं यूज करती,
बट स्टिल एट माय होम टाउन एंड मेरे जो हमारे जाने वाले या फिर मेरी मॉम शी यूज टू लाइक स्क्रेप इट ऑन द रेगुलर ट्रेडिशनल वाला जो होता है ना उस पे. सो टाइम कंज्यूमिंग माय गॉड आई विल टेल यू. एंड दिस वन इट्स अ सेवियर. ओके तो अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन बाय इट एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो. रेगुलर वाला आपको 100-150 में, अभी शायद थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया तो 100-150 में मिल जाता है और ये सालों साल चले जाता है गाइस. एंड ये वाला जो है ना ये अंजलि का है आई गेस. मैंने ये डीमार्ट से लिया था अभी काफी टाइम हो गया इसे एक या सी इट्स अंजलि. थोड़े टाइम के बाद जब उसका ये रबर जो होता है बेस अगर ये खराब हो जाता है तो इट्स ऑफ नो यूज बट इट्स अ सेवियर गाइस. तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं कच्ची कैरी की चटनी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस. आपको किस आप में से कितनों को ये पता होगा कि कच्ची कैरी की चटनी भी बनती है या फिर आप लोग बनाते होंगे. बट ये महाराष्ट्र की तरफ काफी बनती है, हमारी तरफ मालवन की तरफ यू नो महाराष्ट्रियंस काफी बनाते हैं इसे. जब आपको कच्ची कैरी मिले तो डू ट्राई दिस चटनी, यू गोना लव इट. ओके एंड तो ये मैंने कच्ची कैरी ली, तो कोई भी यूज कर सकते हो आप. एंड तो ये मैंने ग्रीन कोरिएंडर ली है विद स्टेम्स. देखियो आप देखते हो हमेशा मैं स्टेम्स के साथ ही लेती हूँ. ये तीन पीस ऑफ गार्लिक लिए, तीन क्लोव्स ऑफ गार्लिक. आप बढ़ा भी सकते हो, मुझे कम पसंद है गार्लिक तो मैंने कम लिए है. पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा है 1 टीस्पून के करीब, और ये फ्रेश कोकोनट है हाफ जो पार्ट होता है ना कोकोनट का उसका हाफ. ओके ये मैंने स्क्रेप किया अभी आपके सामने, आपने देख लिया था. अब हम इस सारे मिक्सचर को और सॉरी ग्रीन चिलीज भी लूंगी मैं, फ्रेश ग्रीन चिलीज, तो वो आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए. यहाँ पे मैं रखना भूल गई हूँ. तो गाइज ये ग्रीन चिलीज रख दी मैंने अभी यहाँ पे, तो ये फ्रेश ग्रीन चिलीज. अब अगर मुझे चाहिए तो मैं स्पाइस बढ़ा भी दूंगी. और अगर आप आपके पास ग्रीन चिलीज नहीं है या फिर आप ग्रीन नहीं खाना चाहते तो आप इसमें रेड चिलीज भी रिप्लेस कर सकते हो. ओके एंड अब हम इस सारे मिक्सचर को मिक्सी जार में डाल के पहले ऐसे थोड़ा सा ड्राई घुमा लेंगे, फिर आप उसमें अकॉर्डिंगली पानी ऐड करिए. ज्यादा पतला नहीं होगा, थोड़ा सा थिक ही चटनी होगी ये. ओके तो मैं आपको दिखाती हूँ. तो गाइज ये सारा मैंने मिक्सी जार में ऐड कर लिया है, जैसे आप देख रहे हो. ओ माय गॉड गाइज आई विल टेल यू इसके साथ कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, लाइक बचपन, समर वेकेशंस, गांव जाना. नानी ये चटनी बनाती थी, वो भी सिलबट्टे पे, वो जो होता है ना पहले पत्थर का जो आता था उस पर. देन अगेन हमारे गांव में जो है इसे ड्राई कोकोनट से भी बनाया जाता है, तो अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट नहीं हो तो आप ड्राई से भी बना सकते हो. इट टेस्ट्स इक्वली गुड. नानी का इसे बनाना, फिर इसे आफ्टरनून लंच में हम यू नो फार्म्स पे खेतों में जाना या फिर मैंगोज के फार्म्स में जाना, मेरे मामाओं का टिफिन लेके और जो वर्कर्स होते थे उनका टिफिन लेके हम जाते थे मामी के साथ जाना एंड सो मच मोर. तो उसमें ये सब हुआ करता था, तो आई जस्ट रिमेम्बर, सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई है. तो बहुत टाइम के बाद मैं बना रही हूँ, तो बहुत टाइम से मेरा मन था बनाने के लिए. बट जब भी मैंगोज आते थे ना तो पके हुए होते थे तो ज्यादा बनाने का चांस ही नहीं मिलता था, पर फाइनली आज मैं बना रही हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी. तो अब ये कैरी है तो इसमें लेमन या टैमरिंड ऐड करने की कोई जरूरत नहीं. अगर आपकी कैरी खट्टी ना हो तो यू कैन गो फॉर दैट, बट कोई जरूरत नहीं है इसमें लेमन ऐड करने की आई गेस. तो मैं अभी आपको बताती हूँ. ओके ये ट्रेडिशनल वे है गाइस, लेट्स डू इट नाउ. तो मैंने इसे थोड़ा सा कोर्स पीस लिया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है. बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है एंड बहुत ही यमी बनी है, एग्जैक्टली मेरे गांव की जैसी बनी है. कोरिएंडर थोड़ी सी ज्यादा है, मेरे गांव में ऐसे कोरिएंडर वगैरह ज्यादा मिलती नहीं है, वहां पे थोड़ी सी व्हाइटिश होती है, बट ट्रस्ट मी इट्स यम. गाइज इस चटनी को बनाना एक बार तो जरूर बनता है, प्लीज ट्राई करिए एक बार और मुझे अपने फीडबैक से ना मत भूलिए गाइज. इट्स टू यम. और अगर आप चाहो तो अभी इसे राई और हींग का तड़का भी दे सकते हो, बट हमारे होम टाउन में ऐसे नहीं करते, ट्रेडिशनली ऐसे ही सर्व किया जाता है. बट इवन पीपल डू तड़का विद दिस, तो आप चाहो तो जैसे आप रेगुलर कोकोनट चटनी को तड़का करते हो वैसे आप कर सकते हो. ओके गाइस तो एज यू कैन सी हियर ये ग्रीन चटनी है जो अभी मैंने आपको दिखा, इट टेस्ट यम, बहुत ही यमी और सीजनल है गाइस. बनाइए और एंजॉय करिए, बाद में मैंगो सीजन से चले जाएंगे, विल नॉट बी एबल टू एंजॉय, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे ये फ्लेवर. तो जरूर ट्राई करिए, तो बहुत अच्छी खट्टी सी चटनी होगी, एवरी डे यू कैन हैव विथ योर मील साइड में लेके. तो ये कैरी की ग्रीन कैरी चटनी है विथ ग्रीन कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली. एंड और एक और टिप, जब भी आप फिर यूज करते हो और बच भी जाती है ना तो इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग 7-8 डेज तक भी आप इसे अगर बच गई फ्रिज में तो ओके, बट मेक श्योर ना कोई भी अच्छा एयर टाइट कंटेनर में रख. आई प्रेफर ग्लास बोल, ग्लास के जो बर्तन होते हैं कांच वाले, उसमें मैंने खाना, आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ द फूड रिमेन्स फ्रेश, तो खाना फ्रेश रहता है. तो मैं ये ग्लास के टिफिन में ऐसा, ये जो एक मेरे पास एयर टाइट वाला टिफिन है तो ये बर्गनर का है, तो ये मैं इसमें ना ऐसे रख देती हूँ
और फिर मैं नीचे ही रखती आइस में ही रखती इसे क्योंकि ये ग्लास है, तो आई कीप इट डाउन इन द रेगुलर जो हमारा नीचे रेगुलर रेफ्रिजरेटर है वहां पे, फ्रीजर में नहीं। स्टिल इट रिमेन्स वेरी वेरी फ्रेश। और अब सेम चटनी को मैंने बनाया है रेड चिली के साथ, ड्राई रेड चिली के साथ। तो ये मैंने जो है गाइस ड्राई रेड चिली इसमें ऐड की है, इसमें ग्रीन कोरिएंडर नहीं ऐड की है, पर मैंने ना एक ग्रीन चिली जरूर ऐड की है, डार्क वाली जो तीखी वाली होती है। उसका रीजन ये है बिकॉज वो रेड चिली जो मेरे पास है वी यूज दैट बेड़गी, तो वो कलर देता है, स्पाइस नहीं देता। तो मैंने चार पांच ऐड करी थी तो मुझे स्पाइसी नहीं लगा, इसलिए मैंने ग्रीन चिली भी ऐड की इसमें, तो जस्ट फॉर स्पाइसीनेस। अगर आपके पास तीखी वाली लाल मिर्च है तो कोई जरूरत नहीं है ऐड करने। तो अब मैं इसे रख दूंगी एंड देन आप देखोगे मेरी प्लेट में इसे रोज, फिर मैं आपको फोटोज पोस्ट करूंगी। तो नो गाइस यू मेक श्योर आप ये बनाओ और एंजॉय करो बिकॉज इट्स सीजनल। तो मेक श्योर मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी चटनी शेयर करूंगी इन फ्यूचर। अब प्लान लेट्स सी, मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हम लोग करते हैं कंज्यूम बट मैं सारी चीजें पोस्ट नहीं करती, तो आई विल मेक श्योर जो भी अच्छी चीजें हैं मैं हेंस फोर्थ आपके साथ शेयर करूं और पोस्ट। तो इसे भी आप लिड लगाकर यू कैन कीप एंड स्टोर इन द फ्रिज नीचे। गाइस ये देखिए इस चटनी को मैंने बंद कर दिया एंड दिस वन इज द रेड वन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उस दिन मैं जॉब से क्या क्या लाई थी। तो उससे पहले कि डेवल्स आ जाए, तो थिंक ऑफ द डेवल एंड द डेवल अपीयर्स वाले, तो मेरे को उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आवाज मत करना, ये मत करना, क्योंकि जब आरव आएगा वो सीधा शार लेने जाएगा। जब वो खेलने जाता है तो हम यही पैटर्न फॉलो करते, तो आके पहले शार लेना होता है, बाद में उसके पापा जिनसे आएंगे वो भी शार लेने जाएंगे, फिर साउंड आएगा। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ, क्या ज्यादा कुछ नहीं है जैसे मैंने कहा था। प्लीज ऐसी चीज शेयर कर रही हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो क्योंकि मैंने बता दिया था कि मैं कुछ लाई थी, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज क्योंकि नाउ यू गाइज आर ऑल्सो फैमिली। ओके गाइज, तो लेट मी स्टार्ट फास्ट। और ये पहला मैं आपको दिखा जो है वो पहले जो मैंने लाया है वो मैं दिखा रही हूँ, ये आरके शॉर्ट्स है। तो दिस इज फ्रॉम जॉकी जूनियर्स और पैंट ट्रैक पैंट्स भी अवेलेबल होते हैं उनके और शॉर्ट्स भी होते हैं। फिलहाल मैंने हमने शॉर्ट्स ली क्योंकि आरके के पास काफी शॉर्ट्स वैसे भी है H&M के, मैक्स के एंड ऑल, फैब्रिक क्वालिटी भी काफी अच्छी है गाइज। तो ये शॉर्ट्स लिए और एक ही लिए हमने क्योंकि ऑलरेडी आरके के पास जैसे मैंने आपको बताया H&M के हैं, मैक्स के हैं काफी शॉर्ट्स और ट्रैक पैंट्स हैं। और फिलहाल अभी तो बच्चे कहीं जा नहीं रहे, घर पे ही बड़े हो रहे हैं, तो इसीलिए हम लिमिटेड ही खरीदे। किड्स आर लाइक ग्रोइंग फास्ट तो वो सारे छोटे हो जाते हैं, तो वी डोंट प्रिफर बाइंग एंड कीपिंग। और ये दूसरी जो चीज मैंने उसके लिए खरीदी थी वहां से, उसके जो अंडरवेयर जो होते हैं दैट वी बाय फ्रॉम अगेन फ्रॉम जॉकी, तो इट्स जॉकी जूनियर्स। तो अगर आप चाहो तो आप भी चेक कर सकते हो। उसने इस टाइम ऐसे प्रिंट वाले लिए जीप से, फ्रेंच फ्राइज वगैरह की प्रिंट वाले लिए उसने, अदरवाइज यूजुअली मैं स्ट्राइप्स या फिर प्लेन लेना प्रेफर करती हूँ, इवन दिस इज लाइक समथिंग शार्क्स एंड ऑल दैट। तो ये वो है सर्फिंग शार्क्स वाले, तो वही ऐसे लिए बीच वाले, तो ये वो है। तो दीज आर वेरी नाइस, द इलास्टिक इज वेरी गुड और इसे भी कुछ नहीं होता जब तक मतलब फट नहीं जाए, तो द इलास्टिक एंड ऑल डजंट गेट लूज ऑल्सो। मतलब मैंने काफी टाइम से ट्राई किया आरव के लिए एंड दीज आर रियली गुड, मतलब स्कूल के लिए एंड ऑल वी प्रिफर प्लेन वन। तो मैं आरव के लिए लेके आती हूँ व्हाइट वाले स्कूल के लिए, तो अलग रखती हूँ उसके घर पे पहनने वाले, और स्कूल वाले जो है मैं अलग रखती हूँ। बट द इलास्टिक इज वेरी गुड क्वालिटी एंड अगेन द फैब्रिक इज कॉटन एंड इट्स वेरी नाइस ब्रीदेबल फैब्रिक। तो ये आरव के लिए पैक ऑफ टू में आते हैं, तो इवन दिस वो अभी मुझे प्राइस याद एंड बिल तो हमने कभी डिस्कार्ड कर दी है, बट मुझे अभी प्राइस इसकी याद नहीं है, बट आई थिंक अराउंड कुछ सेट ऑफ टू में ही थे। तो जो भी प्राइस होगी या तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी बाद में चेक करके, क्योंकि ऑनलाइन भी अगर आप लोगे तो भी सेम प्राइजेस है या फिर स्टोर से भी आपको सेम ही मिलेंगे। तो मैं आपको प्राइस जो है ना स्क्रीन पे डाल दूंगी। तो गाइस इसकी प्राइस जो है 499 और 450 कुछ है, आई डोंट रिमेम्बर। ओके तो ये आरव का हो गया, आरव की मैंने बस ये दो चीजें खरीदी थी एंड मैंने ये चार चीजें खरीदी है। तो गाइस दिस इज मेरा वाला स्टफ, तो आई लव वेयरिंग पजामीज एंड बॉक्सेस एट होम या फिर फॉर अ चेंज, तो आई लव वेयरिंग बॉक्सेस, थोड़ा ब्रीदेबल होता है, तो ये मैं पहनती हूँ। तो दिस इज जॉकी के अगेन, तो ये जॉकी प्रॉपर जो है ना ये जॉकी विमेन्स के है, तो प्रिंट है इसपे, इसपे कलर्स काफी अच्छे थे, ये पिंक है और इसपे ब्लू कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स बने हैं, अगर आई गिव यू क्लोज लुक, तो इट्स वेरी नाइस। अगेन दिस इज अ कॉटन फैब्रिक आई गेस, 100% सुपरकॉम कॉटन ऐसे इसमें लिखा है। तो मैं मुझे स्मॉल भी हो रही थी बट आई स्टिल बाय M बिकॉज थोड़े से ब्रीदेबल होते हैं, फिर वो आई डोंट लाइक दैट
टाइट स्पेशली समर्स में, फिर दे आर वेरी यू नो नाइस एंड ब्रीदेबल. तो ये वो है उसमें से एक. ये प्रॉपर जॉकी विमेन्स में से है, बट देन टू आई बॉट फ्रॉम जॉकी मेन्स. मुझे उसकी भी फिटिंग्स अच्छी लगती है क्योंकि ऑलरेडी मेरे हस्बैंड यूज करते हैं बहुत टाइम, काफी टाइम से घर पे पहनने के लिए वो जॉकी की बॉक्सर्स यूज करते हैं. तो दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी कम्फी. तो मैनली प्रिंट है बट दीज आर ऑल्सो गुड एंड डार्क कलर्स. तो आई गॉट दिस सेम फैब्रिक, सबका सेम है इट्स रिटन एंड दिस इज एम. एक्चुअली आई लाइक क्वर्की प्रिंट्स बट ना एक वही ड्रॉबैक है जॉकी में कि लाइक दे डोंट हैव क्वर्की प्रिंट्स. तो आई लाइक सम लाइक फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसे कुछ सब अच्छा अच्छा हो तो, पर वैसे नहीं मिलते. तो मैं आपको दिखाती हूँ. तो लुक एट दिस. तो ये नेवी ब्लू कलर में है और इस पर ऐसे स्टैम्प्स वगैरह प्रिंटेड है. तो दिस इज लाइक दिस. ओके, तो ये एक ऐसी है और एक मैंने ऐसे लेटर प्रिंटेड ली है उसमें भी, और यूएस फ्लैग प्रिंटेड भी थे बट आई डेंट वॉन्ट दैट. बहुत कॉमन सा था वो प्रिंट, बहुत सारे बहुत सालों से देखती हूँ तो इसलिए आई डेंट वॉन्ट दैट. एंड इवन दिस इज लाइक ये ऐसे ना, सॉरी गाइज, मैंने जिस ना इसे वॉश किया है ना ऐसे फोल्ड करके रख दिए थे. एक्चुअली मुझे आयरन कर देना चाहिए था. तो गाइज ये एक्चुअली जो है ये जॉकी मेन्स कलेक्शन में से है तो ये उसमें से खरीदा है मैंने. और ये फाइनल ये मैंने अपने लिए खरीदा है. ये शॉर्ट्स है एक्चुअली, वर्कआउट के वक्त या फिर ऐसे घर पे पहनती हूँ मैं समटाइम्स. तो ये वो है. तो आई लाइक दिस. तो ऑलरेडी मेरे पास ब्लैक और स्किन कलर एक और है मेरे पास, तो आई वांटेड वन मोर. तो मैं गई थी तो इसीलिए आई बॉट वन मोर. तो ये मैंने एस में खरीदा है. तो ये स्मॉल साइज है एंड दिस इज बेज स्किन कलर, न्यूड कलर है ये. तो ये किसी भी अगर किसी ट्रांसपेरेंट चीज के अंदर अगर आपको पहनना हो तो इट्स गुड एंड इट्स वेरी गुड क्वालिटी फैब्रिक. मैं पहले से यूज कर रही हूँ. तो ये वो है गाइस. तो दिस इज इट फॉर द लॉन्गेस्ट स्टफ. और मैं आपको दिखाती हूँ जॉकी में और भी प्रिंट्स आते हैं अंडरवेयर के क्योंकि आरफ के ऑलरेडी है. तो आई जस्ट शो यू. तो ये है अगेन स्ट्राइप्स है, उसमें काफी वेरायटी होती है. और भी बहुत सारे थे अरफ के, एक्चुअली खराब हो गए इसीलिए हमने नहीं लाए. अगेन दिस वन ग्रे एंड ब्लू. तो ये ऑलरेडी आरफ पहले से यूज करता है ये सारे. तो दीज आर एक्चुअली गुड. तो अगर आप चाहते हो कि किड्स के लिए ना तो यू कैन बाय. हाँ बिंदास, स्पेशली द अंडरवेयर एंड द वेस्ट जो बनियान पहनते हैं ना बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म्स में या कपड़ों में वो. और एक और चीज है जो ऑनलाइन आई है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ दैट डे. ये तो मैं उस दिन जब फादर्स डे पे गई थी मैंने कहा था ना आपसे लिया था ये सब. ये मैंने बेलापुर से लिया है जॉकी के स्टोर से प्रॉपर, जो डी कैथलॉन एक्चुअली कंफ्यूजन होता है. मैं लास्ट टाइम भी ब्लॉग में डी कैथलॉन बोल दिया, डी कैथलॉन. तो मैंने वहां से लिए है ये जॉकी स्टोर से. और ये जो है ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे. ये एक्चुअली मैंने तो ये क्रॉक्स है, ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किए थे. तो ये क्रॉक्स की साइड से किए थे, क्रॉक्स इंडिया की साइड से. तो अच्छे खासे ऑफ्स चल रहे थे तो वी बॉट इट बिकॉज मेरे हस्बैंड की जो है क्रॉक्स वो खराब हो रहे थे. तो ही वॉन्टेड न्यू, तो ही ऑर्डर इट फॉर हिम. बट मैंने उन्हें बहुत समझाया था, बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे ऑर्डर करना है साइज. इवन दो वी हैव क्रॉक्स हम यूज करते हैं बट स्टिल द साइज डिफर्स एवरी टाइम वी ऑर्डर इट. तो इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि नॉर्मली आप मेजरमेंट ले लो पेपर पे, पैर का माप लेके आप सेंटीमीटर्स काउंट कर लो एंड देन यू ऑर्डर इट. ही वाज लाइक नथिंग डूइंग. उन्होंने वही क्रॉक्स देखे जो है ऑलरेडी और उसी पे का साइज देख के उन्होंने ऑर्डर किए एंड इट्स छोटा, वन साइज छोटा. मतलब हमारे हो जाते हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे को बट ही इज थोड़ा सा, उन्हें सफोकेशन होता है मेरी साइज में बट मुझे हो जाते हैं. और ये थोड़े से बड़े ही अच्छे लगते हैं रीडेबल. बट फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू रख ले एंड मुझे तेरे व्हाइट वाले दे देना कभी कभी पहनने के लिए. तो ही डिड अ डील बट मैं देने ही वाली, मैंने सिर्फ उन्हें थोड़े थोड़े टाइम के लिए पहनने के लिए दिया, मैंने परमानेंट नहीं देने वाला. सो गाइज, तो दिस वॉज द शॉपिंग. तो उस दिन ये फादर्स डे के दिन की थी और ये उसी दिन आए थे सुबह एक्चुअली. तो बट हमने ओपन नहीं की थी क्योंकि हम निकल रहे थे तो उसके बाद मैंने किए थे और उसके बाद मैं अभी ब्लॉग कर रही हूँ तो इसलिए मैंने आपको दिखाया है. तो इसलिए मैंने उन्हें इंक्लूड किया इस ब्लॉग में. बस चलिए अब प्राइवेट डिनर बना ली, रेडी है. तो डिनर में मैंने बनाया है बैंगन का भरता, ये येलो दाल है हमारी रेगुलर घर वाली, और ये जो है फ्राइड ग्रीन चिलीज है जो मुझे बहुत पसंद है. एंड ये जो चटनी अभी आपको दिखाई थी उसकी ही ग्रीन वाली चटनी है. और बाकी सब तो आप अकम्पनीमेंट्स देख ही रहे हो, रोटी एंड राइस भी है बट फिर वो हम बाद में सर्व करेंगे. तो ऑलरेडी खाना मैंने बाहर सर्व कर दिया, ये मेरी प्लेट में आपको दिखा रही हूँ. तो गाइस डिनर तो रेडी हो गया और मैंने सर्व भी कर दिया. तो आरव के पापा और आरव वेट कर रहे हैं डिनर के लिए. तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. तो गाइस मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ अगले ब्लॉग में. अंटिल देन मॉमी से साइनिंग ऑफ, बाय.